हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके कॉन्टैक्ट को गूगल ड्राइव पे सेव करना बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है या फिर आपका फ़ोन जो है चेंज करना चाहते हो, तो इनकेस आपके सारे कॉन्टैक्ट ओल्ड फ़ोन में रह जाते हैं या फिर सिम में रह जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है आपकी सिम जो है ख़राब हो जाती है और आपके सारे कॉन्टैक्ट यहाँ सब चले जाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है आपको कॉन्टैक्ट कलेक्ट करने में। तो दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो, आप अपने कॉन्टैक्ट को गूगल ड्राइव पे सेव करके रखते हो, तो आपके जो कॉन्टैक्ट है फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे। और जब कभी भी आप उन कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना चाहोगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करना होगा और आपके सारे कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में एक्सेस हो जाएंगे जिस फ़ोन में आप करना चाहते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेज जानकारी मिलती रहती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्टैक्ट पे जाना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे चला जाता हूँ। कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे आपके राइट हैंड साइड में 3 डॉट मिल सकता है, आपके फ़ोन में 3 लाइन मिल सकता है। मेरे यहाँ पे सेटिंग का निशान है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग के निशान पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे सेटिंग के निशान पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके के कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की साइड में मिलेगा एक ऑप्शन सेंड कॉन्टैक्ट, तो उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो कॉन्टैक्ट है एक्सपोर्ट होके, जैसे कि यहाँ पे आप कई सारी चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। यहाँ पे सेव टू ड्राइव पे आपको क्लिक करना है। सेव टू ड्राइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो ड्राइव है ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो अकाउंट, यहाँ पे अगर आपके अगर आप कई सारे जीमेल आईडी को यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपकी उस वाली जिसमें आप सेव करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे वो वाली चूज कर लेंगे, तो यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डाल सकते हैं। तो उस बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे आपको मांग रहा है कि फोल्डर आप कहाँ पे चूज सेव करना चाहते हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट के नाम से। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के नाम से मैं एक बनाता हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट के नाम से बना लिया और इसमें क्रिएट करके इसमें जो है मैं इसको सेव यहाँ से क्रिएट कर दिया। उसके बाद दोस्तों इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट है मेरे इस वाले ड्राइव में सेव हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो कॉन्टैक्ट वाली जो लिस्ट है यहाँ पे सेव हो जा रही है। तो इस तरीके से आपके भी कॉन्टैक्ट सेव हो जाएंगे। अब आपको इसके बाद आपको क्या करना है, तो अभी ये पहले अपलोड हो जाए, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो इसके बाद सिंपली आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों आपकी जो गूगल ड्राइव एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे इसको गूगल ड्राइव एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो फोल्डर आपने क्रिएट करा है वो उसको आपको सिंपली देख लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपना जो फोल्डर इसके अंदर क्रिएट करा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है इसमें यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे जो फाइल है अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे मेरी फाइल अपलोड हो गई, यहाँ पे सिंपली आपकी भी फाइल अपलोड हो जाएगी। और जब कभी भी अपने कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना है तो उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। सिंपली क्लिक करने के बाद जो आपके कॉन्टैक्ट है सारे यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक कर देंगे। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सारे कॉन्टैक्ट आपकी फ़ोन बुक में एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट को फ़ोन बुक में कभी भी कहीं भी किसी समय कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपका डेफिनेटली जो भी कन्फ्यूजन है सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट को हमेशा के लिए सेव कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।